सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब के बारे में। तो एक कंपनी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने जो है वैकेंसीज निकाली है, एटलीस्ट 158 वैकेंसीज हैं। लेकिन ये जो वो वैकेंसी निकाली है उसने एक तरीके डेपुटेशन पे या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म वैकेंसीज निकाली हैं। इसमें जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का ड्यूरेशन उन्होंने रखा है। तो टोटल 158 जो वैकेंसीज निकाली हैं, इसमें कुछ जो पोस्ट हैं वो आपका यंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, कुछ पोस्ट इंटर्नशिप के लिए हैं और कुछ पोस्ट जो है ट्रेनीज के लिए। तो यंग प्रोफेशन के लिए मतलब उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी है, कितनी पोस्ट हैं यंग प्रोफेशनल्स में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेके चलूंगा और वहां आपको बताऊंगा कि कितनी पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने यंग प्रोफेशनल की जो पोस्ट रखी है उसमें रखी है। सेकेंड जो उन्होंने रखा है आपका, उसमें उन्होंने रखा है इंटर्नशिप। जो बच्चे अभी जो है इंजीनियरिंग बीटेक फाइनल ईयर में है या फिर जो है एमएससी ए वगैरह कर रहे हैं, तो अगर वो बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है मतलब बीआईएस ने जो है ये इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मतलब क्या डिटेल है ये मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलूंगा। कितनी पोस्ट रखी है इसके लिए वो मैं आपको बताऊंगा अपनी वेबसाइट पे ले जाकर के। थर्ड जो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए रखा है, उसमें आपका 3 कैटेगरी है। पहला है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, उसमें बीटेक पास आउट्स मांगे होंगे, और जो दूसरा है उसमें आपका साइंस ग्रेजुएट ट्रेनिंग रखे हैं, और थर्ड जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए रखा है। तो मैं आपको जो है तीनों जो पोस्ट हैं, इन तीनों पोस्टों को मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है 158 वैकेंसीज हैं, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखी है, कितनी ये पोस्ट हैं, ठीक है, और इसमें आपने किस तरीके से ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं अपनी जो बार है इसमें जो है मैं www.learningineers.com जो है टाइप करूँगा और एंटर मारूँगा, ठीक है ना। तो एंटर करते ही क्या होगा, जो मेरी वेबसाइट है उसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है इसमें देखेंगे, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी जो ये पोस्ट लगाई हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करते जो आप जो इस पोस्ट में अंदर जो है एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने जो है इस पोस्ट में दिया हुआ है कि इसमें देखिए यंग प्रोफेशनल्स के जो टोटल जो पोस्ट हैं वो 46 पोस्ट हैं, और जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो 6 हैं, और जो ट्रेनीज हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो आपका 106 जो है आपका इसमें ट्रेनीज के लिए जो वैकेंसीज रखी हैं, ठीक है। तो टोटल सारी पोस्ट मिलाकर के जो है आपका जो इसमें 158 पोस्ट हैं, ठीक है ना, टोटल जो पोस्ट हैं 158 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले करना है क्या है, सबसे पहले आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना कॉमन है यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज के लिए भी, इंटर्नशिप के लिए भी, और आपका जो ट्रेनीज है उनके लिए भी जो है सबके लिए इंस्ट्रक्शंस है कॉमन है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कंपनी है उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस रखी हैं वो आपके सामने हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो आपने जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, और एप्लीकेशन प्रोसीजर मतलब आपने जो है इसमें अगर अप्लाई करना है तो किस तरीके से आपने अप्लाई करना है वो सारा इसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया, और लास्ट में गाइडलाइंस दी हैं आपने, फ़ोटो और अपना सिग्नेचर जो है उनका, इमेज का साइज़ क्या रखना है दोनों का, और उनको स्कैन किस तरीके से करना है, स्कैन करने के बाद जो उनका जो है किस फॉर्मेट में उनको रखना है और उसका साइज़ कितना रखना है, ठीक है ना। तो आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से फॉलो करना मतलब अच्छे से उसको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपने आगे इसमें जो है पढ़ना है आगे, और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है आगे, ठीक है। तो पहले आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है आपने, अगर आप प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और उसमें मतलब कौन कौन से को मतलब
जो स्टूडेंट्स पास आउट स्टूडेंट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो मतलब क्या क्या मतलब उन्होंने जो मतलब डिस्क्रिप्शंस रखे हैं, रिमुनरेशन रखे हैं, लीव ड्यूरेशन में पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए अगर आप प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एज लिमिट बिलो 35 ईयर रहनी चाहिए फ्रॉम 1 जनवरी 2018 तक जो आपकी बिलो 35 रहनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी है इसमें आपका मास्टर्स डिग्री मांगी गई है और आपका बीटेक एमबीए सीए और इक्विवेलेंट रिलेवेंट फील्ड के वाले अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में आपका एमटेक एमफिल पीएचडी वाले भी जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें अंदर और डिटेल देख सकते हैं। तो जो और डिटेल्स हम आपके सामने देखिए, इसमें अगर हम बीटेक वालों को देखें तो बीटेक सिविल स्ट्रक्चरल जियोटेक्निकल, उसमें डिजायरेबल आपका एमटेक एमफिल पीएचडी है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और वैकेंसी दिखाइए कहाँ किस किस प्लेस पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सिविल की इसमें 2 वैकेंसी हैं, वाटर रिसोर्सेज फील्ड में जो है आपका बीटेक वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए और आपका उसमें न्यू दिल्ली में 1 वैकेंसी है। ऐसे मैकेनिकल में बीटेक और ऑटोमोबाइल से बीटेक अगर आपने की है तो उसमें अगर डिजायरेबल एमटेक पीएचडी चलेगी, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है और इंटेक इसमें 3 है। तो आप देख लेंगे किस किस फील्ड के लिए मतलब क्या क्वालिफिकेशन रखी है और डिजायरेबल में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है और मिनिमम कितना एक्सपीरियंस रखा है और किस प्लेस के लिए जो मतलब पोस्टिंग होगी और उसमें वहाँ पर जो इनटेक मतलब कितनी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, ठीक है ना। तो उसमें बीटेक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सिविल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रामिंग केमिस्ट्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से किया या फिर एमएससी केमिस्ट्री अगर आप हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी और आपका माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्सेज और आपका फाइनेंस और पब्लिक रिलेशंस, ठीक है ना। तो ये फील्ड रखी गई है और उसमें क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया, कौन सी प्लेस के लिए है और इनटेक कितना है वो आपके सामने है। तो आप अच्छे से देख लें कि आप किस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो और इस फील्ड में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और अगर आपकी उससे भी हायर क्वालिफिकेशन तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इनटेक कितना है, ठीक है ना। तो आप इस डिटेल को अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इंटर्नशिप के एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो दिया हुआ है यहाँ पर, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है एंगेजमेंट ऑफ इंटर्न्स उसका भी उन्होंने जो है कम्प्लीट डिटेल दी हुई है, तो आप यहाँ से सारे डिटेल देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिटेल आपके सामने है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो एरिया रखा गया सिविल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं परसुइंग बीटेक, जो बच्चे मतलब बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रिकल में, पब्लिक रिलेशंस में, जनरल में मतलब ये देख लीजिए परसुइंग बीटेक एमटेक पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी केमिकल पेट्रोकेमिकल एनवायरमेंटल लेदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फाइबर साइंस इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर सिविल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल माइनिंग बायोमेडिकल मेटलर्जिकल और मास्टर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सभी के लिए रखा है लेकिन पोस्ट जो इसमें इंटेक और दिल्ली में है, ठीक है ना। तो मतलब ये आप देख लें अच्छे से डिटेल, ये आपका इंटर्नशिप के लिए इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6 हैं, 6 ही पोस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप सारे डिटेल को अच्छे से पढ़ लें अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इंटर्नशिप उन्हीं के लिए जो बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में जो मतलब अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लें इंटर्नशिप वाले डिटेल को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें आपका ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनीज़ हैं उनके लिए जो है मैंने लिंक दिया हुआ है ट्रेनीज़ का, उस पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा जो है आप जो एंगेजमेंट फॉर ऑफ ट्रेनीज़ है वो आप देख लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन सब डिटेल में दी हुई है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनीज़ में आपका जो अमाउंट रखा गया पर 35,000 पर मंथ उसमें मिलेगा आपको, जो साइंस ग्रेजुएट ट्रेनी उनको भी 35,000 पर मंथ मिलेगा और जो डिप्लोमा ट्रेनी उनको 30,000 पर मंथ मिलेगा। ड्यूरेशन 2 ईयर रहेगा आपका, नॉन एक्सटेंडेबल बेसिस पर है ये। लीव का सारा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज़ के लिए जो आपका है उसमें पर्सन हैविंग बीटेक इन इंजीनियरिंग, बीटेक होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका साइंस ग्रेजुएट में आपका जो है इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन इन नेचुरल साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ट्रेनी डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी जो और डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं नीचे,
इसमें आप देख लीजिए डिटेल और भी हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिस के अप्लाई करना चाहते हो उसमें किन किस एरिए के लिए, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मेडिकल केमिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड IIT इलेक्ट्रिकल वाटर रिसोर्स के में आपका B.TECH पास आउट होना चाहिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। इनटेक किस प्लेस पे कितना है वो आपके सामने है, आप वहाँ डिटेल में जब देखेंगे तो अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आप साइंस ग्रेजुएट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आपने साइंस की है BSc केमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी प्लेस पर कहाँ का कितना इनटेक है, तो वहाँ के अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए इसमें मैकेनिकल होना चाहिए डिप्लोमा में, उनके लिए दिया हुआ है सिविल इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी, ठीक है ना। तो इसमें आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चलेगा इसमें आपका, ठीक है ना, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। और टोटल डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो पोस्ट हैं वो आपका टोटल जो है 106 हैं, और जो आपका यंग प्रोफेशनल की जो पोस्ट हैं 46 हैं, और आपका जो इंटर्नशिप के लिए जो है 6 पोस्ट हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बता देता हूँ, तीनों के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 मार्च 2018 को ये फॉर्म निकल चुके हैं, और 25 अप्रैल 2018 जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को और उस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इसमें अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए मैंने ये दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो BIS की जो वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंगेजमेंट टू प्रोफेशनल ऑन शॉर्ट टर्म कोर्स, यहाँ पर भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और क्लिक हियर टू ऑनलाइन, तो सब कुछ अच्छे सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने के बाद जो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर अप्लाई आप करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखा दी है। तो आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो है इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, और जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद जो है फिर आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। तो आई होप सो आपके उस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प और सपोर्ट मैं कर पाया हूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।